Assalamualaikum dear students, congratulations on annual result and now you are promoted to class 2. From today and onwards I will teach you computer. Today is our first lecture and the name of our first chapter is Computers Around Us. Okay, Computers Around Us, कंप्यूटर्स हमारे इर्द गिर्द, ठीक है? तो अराउंड इर्द गिर्द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स अस हमारे, तो कंप्यूटर्स अराउंड अस, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के साइजेस के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर हमारे कैसे काम आता है इस बारे में पढ़ेंगे, और कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग्स में जो डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर लैब एटिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लेट्स गो टू स्टार्ट आवर लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ दिस? क्या आपको याद है ये क्या है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है? देखें, ये बिल्कुल एक कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यू आर राइट, दिस इज़ कंप्यूटर. ओके, तो आपको ये तो याद है कि ये कंप्यूटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्या होता है? सो लेट्स गो टू स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिजली से चलने वाली मशीन है, ठीक है? कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कैन नॉट रन. ओके, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो देखिए, आगे उन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस में आपको यही कहा है कि कंप्यूटर काम करता है बिजली पर, ठीक है? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर कैन नॉट रन. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नाउ वी शुड नो दैट हाउ कंप्यूटर हेल्प अस, ठीक है? कंप्यूटर हमारी मदद कैसे करता है? तो कंप्यूटर हमारी मदद ऐसे करता है कि हम अभी उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. कंप्यूटर हेल्प अस टू लर्न. कंप्यूटर हमारी ऐसे मदद करता है कि कंप्यूटर के हेल्प से हम सीख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, ड्रॉ कुछ भी बना सकते हैं, वॉच कार्टून्स, कार्टून्स हम लोग देख सकते हैं. और हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है लिसन टू म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉल्व मैथ सम्स, हम मैथ्स के सम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो देखें, आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं. इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है वहाँ पर लिखा है लिसन टू कंप्यूटर. देखें, ये वाली पिक्चर जो है हमारे पास, इसमें लिखा है लिसन टू कंप्यूटर, लिसन टू म्यूज़िक. ये जो हमारे पास है, ये बच्ची यहाँ पर म्यूज़िक सुन रही हैं, ये यहाँ पर कुछ काम कर रही हैं, यहाँ पर ये कार्टून देख रही हैं, यहाँ कुछ सीख भी रही हैं विद द हेल्प ऑफ गेम, गेम के ज़रिए जो है ये सीख रही हैं. और ये देखें, यहाँ ये पिक्चर हमें ये बता रही है कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क जो है वो कंप्यूटर के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं या कंप्यूटर हमें परफॉर्म करके दे सकता है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें हमें बता रही थी कि हाउ कंप्यूटर हेल्प अस, कंप्यूटर कैन हेल्प अस टू लर्न, राइट, ड्रॉ, वॉच कार्टून, लिसन टू म्यूज़िक, सॉल्व मैथ सम्स. ओके, तो ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि कंप्यूटर हमारी मदद किस तरीके से करता है, ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर वेरी मेन पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
कि क्या डिफरेंस है कंप्यूटर्स में और ह्यूमन बींग्स में. ह्यूमन बींग्स का मतलब इंसान, इंसानों में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है. तो इंसानों और कंप्यूटरों में बहुत फ़र्क है. बहुत फ़र्क किस तरह से है कि आए हम पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं फिर हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं. कंप्यूटर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है फास्ट इन डूइंग कैलकुलेशंस. ह्यूमन बींग्स का फर्स्ट पॉइंट है स्लो इन डूइंग कैलकुलेशंस. ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है. जैसे कि हमने उनकी उसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बिजली पर चलने वाली एक मशीन है. तो कंप्यूटर जो है वो फास्ट होगा कैलकुलेशन में ना, क्योंकि वो एक मशीन है. लेकिन हम इंसान कैलकुलेशन में स्लो हैं, क्योंकि हम इंसान हैं. हम सोच कर समझ कर बोलेंगे कि अगर हम 2 और 2 को प्लस करें तो 4 आएगा. जैसे कि आप 2 2 लाइंस लगाते हैं और फिर उनको काउंट करते हैं तो आप कहते हैं हाँ 2 और 2 को प्लस करने से 4 आता है. लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, वो आपको ऑन द स्पॉट आंसर देती है कि 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4. उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है हैज़ नो फीलिंग्स. कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती, ना वो खफा होता है, ना खुश होता है, ना हंसता है, ना रोता है. लेकिन इंसानों की फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है नेवर गेट टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता. गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, लेकिन जो ह्यूमन बींग हैं वो कुछ टाइम के बाद थक जाते हैं. सेकेंड लास्ट पॉइंट है डज़ नॉट मेक मिस्टेक. कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है. डेफिनेटली कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मशीन है. जी, तो कंप्यूटर मिस्टेक नहीं कर सकता, जबकि इंसान जो है उनसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मिस्टेक कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो मिस्टेक नहीं कर सकती. उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास कैन नॉट टेक डिसीजन. कंप्यूटर डिसीजन्स नहीं ले सकते. कैन टेक डिसीजन्स, लेकिन इंसान डिसीजन्स ले सकते हैं. क्यों? वाई कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक डिसीजन्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन टेक डिसीजन्स? क्योंकि कंप्यूटर आपके अंडर होता है. कंप्यूटर को आप कमांड देते हैं, कंप्यूटर आपके अंडर होके चलता है. इसीलिए आप डिसीजन ले सकते हैं. कंप्यूटर की कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसके पास कोई ऐसा वो नहीं है, वो एक मशीन है. तो इसलिए वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता. आप जिस तरह से कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो काम देते हैं, कंप्यूटर आपको एज इट इज़ वो काम, आपकी वो कमांड को फुलफ़िल करके आपको रिज़ल्ट शो कर देता है. इसलिए कंप्यूटर किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, जबकि इंसान डिसीजंस ले सकते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है. एक इस पिक्चर में साइड पे ब्रेन है. ये ब्रेन जो है ह्यूमन बींग्स का है, और इसके साइड पर जो है वो दूसरा आपको ब्रेन नज़र आ रहा है. ये ब्रेन जो है ये कंप्यूटर का है. ब्लू कलर का जो कंप्यूटर का शो हो रहा है ब्रेन, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल एक मशीन की शक्ल में आपको शो हो रहा है, जबकि साइड पे ब्रेन ह्यूमन बींग्स का है, क्योंकि ये हमारी ब्रेन की शेप का है. ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है वो हमारे पास मशीन होता है, तो होती है ना, तो उसका जो ब्रेन है वो हमारे पास बिल्कुल मशीन जैसा होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज साइजेस ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस इंक्लूडिंग बिग कंप्यूटर्स, मीडियम साइज कंप्यूटर्स, स्मॉल कंप्यूटर्स. कंप्यूटर के डिफरेंट साइजेस जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जिनमें बिग कंप्यूटर्स भी आते हैं, मीडियम साइज कंप्यूटर्स भी आते हैं, और स्मॉल कंप्यूटर्स भी आते हैं. लेट्स गो टू डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन विद पिक्चर्स. अब बिग कंप्यूटर्स में हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल आ रही है वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर. ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बिग कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, ये देखें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बिग कंप्यूटर्स होते हैं. एक बार ये कहीं पे प्लेस हो जाएं तो ये वहाँ पर प्लेस हो जाते हैं. इनको आप अपने साथ ट्रैवलिंग के दौरान नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये काफ़ी ह्यूज इनका साइज़ होता है, जिसकी वजह से हम इनको ट्रैवलिंग में अपने साथ लेकर कहीं पर नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये जहाँ आप इनको प्लेस कर देते हैं ये वहाँ प्लेस होते हैं, और आप इनको किसी दूसरी जगह भी प्लेस कर सकते हैं. बट इनका मेन जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि आपके साथ किसी भी ट्रैवलिंग में ट्रैवल नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं बिग साइज कंप्यूटर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मीडियम साइज कंप्यूटर्स. मीडियम साइज कंप्यूटर्स में हमारे पास आते हैं लैपटॉप्स,
और लैपटॉप्स और टैबलेट्स, ठीक है। ये आपने देखे होंगे, आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा, हर एक के घर में लैपटॉप होगा। तो ये लैपटॉप और टैबलेट्स होते हैं, ये हमारे पास मीडियम साइज़ कंप्यूटर्स होते हैं। वी कैन मूव देम इफ़ वी गो ऑन ट्रैवलिंग, तो ये हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। दीज आर मूवेबल, ठीक है, ये हमारे पास मूवेबल होते हैं, मतलब इनको हम एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इनका ये एडवांटेज है। सेकेंडली, ये हमारे पास जो है वो बैटरी पर चलते हैं, और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है, ठीक है। ये इसमें बैटरी नहीं होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाला कंप्यूटर है, जबकि ये टैबलेट और लैपटॉप जो होते हैं ये बैटरी वाले होते हैं, मतलब इनको आपको चार्ज करना पड़ता है, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं और उनमें बैटरी होती है, इसी तरह इनमें भी बैटरी होती है और इनको भी चार्ज करना पड़ता है, देन ये आपको काम करके देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अपने साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। और ये साइज़ में जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटे भी होते हैं और लाइटर भी होते हैं, हैवियर नहीं होते, हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, ठीक है। Now the last point of size of computer is small computers. Small computers में हमारे पास आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हमारे पास जो मोबाइल्स हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन्स भी जो हैं वो उनमें बैटरी होती है और ये चार्जेबल होते हैं और इनको आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अपने साथ कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर एटिकेट, कंप्यूटर के कुछ एटिकेट इस तरह से होते हैं कि कंप्यूटर लैब में आप जब जाते हैं तो वहाँ के एटिकेट्स होते हैं। एटिकेट्स का मतलब है हमारे पास कंप्यूटर लैब में बैठने का अदब से बैठने का तरीका, मतलब वहाँ जब आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पर आपको वो बातें समझाई गई हैं जी। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट मेक नॉइस इन ए कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में हमें शोर नहीं करना चाहिए। ऑलवेज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर, और हमें हमेशा उन तमाम हिदायात पर अमल करना चाहिए जो हमारी टीचर हमें दे, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 1 कंप्यूटर अराउंड अस। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझ आ गया होगा। इन आवर सेकेंड लेक्चर वी विल डू द रीडिंग ऑफ चैप्टर 1। ओके, थैंक यू सो मच।